हेलो, कैसे हैं आप लोग? आइए लास्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई सैंपल पेपर के हम ट्वेल्थ क्लास के 11 क्वेश्चंस कर रहे थे। आई थिंक क्वेश्चन 12 13 क्वेश्चन 12 क्या है? इफ अ डेल्टा इज इक्वल टू, दैट मीन डिटरमिनेंट गिवन है 1 ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर 1 ए इज इक्वल टू, हमें गिवन है -4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ए क्यू माइनस वन जीरो, ए माइनस ए फोर जीरो, ए माइनस ए फोर, ए क्यू माइनस वन, ए माइनस ए फोर, ए क्यू माइनस वन और जीरो। ठीक है, तो बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस बार सीबीएसई वालों ने दिया है। आओ इसे आराम से समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें कोफैक्टर्स की, तो सी वन वन कैसे निकाला जाता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे तो क्या आएगा? ए क्यू माइनस ए। इस तरह फर्स्ट और सेकंड कॉलम सारी वैल्यूज आएंगे। और आपको मालूम है कोफैक्टर्स जो होते हैं इनको क्या करते हो बेटा, बाद में साइन चेंज करते हो। तो ये क्या होगा? जीरो। ये भी क्या है? जीरो। ये क्या है? वन माइनस ए क्यू, तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस वन। ये वन माइनस ए क्यू, तो क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस वन। तो क्या वही चीज एक कोफैक्टर्स नहीं है? तो मतलब एडजॉइंट बन गया। और हमें पढ़ा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन। इस वजह से ठीक है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना गिवन है हमें? -4। एन कितना है? 3, क्योंकि ऑर्डर 3 का है। 3 माइनस वन टू, माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो गया? 16। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन है y e रेज़ टू पावर y dx इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 2x e रेज़ टू पावर y dy व्हेन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। देखो ध्यान से, अगर हम इसे देखें कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू, इधर के शिफ्ट हो गया, तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है? क्या ये होमोजीनियस है? नहीं। क्यों? क्योंकि e पावर सिर्फ y है। अगर y बाय x होता या x बाय y होता तो होमोजीनियस समझते। अगर हम इसको सेपरेट करें, y क्यूब अपॉन y है ना, एक कैंसिल हो गया y स्क्वायर अपॉन e पावर y, इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? e पावर y कैंसिल हो गया, 2x अपॉन y प्लस इधर के माइनस हो गया। तो कौन सी फॉर्म बन गई? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। इट इज द फॉर्म ऑफ dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। इसे p कितने है? वेयर p इज कोफिशिएंट ऑफ x यानी -2 अपॉन y एंड q इज y स्क्वायर अपॉन e पावर y, दैट मींस e पावर y के ऊपर क्या हो गया? e पावर -y, है ना। अब सबसे पहला काम क्या होता है? हमें क्या निकालना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। p कितना है? -2 / y। 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है? log y। माइनस ऊपर आ गया बिकॉज लॉग एम पावर एन क्या होता है? एन लॉग एम, है ना। तो ई पावर लॉग क्या होता है? ई पावर लॉग क्या होता है? एक्स, यानी क्या बच गया? वाई पावर माइनस। ये हमारे पास क्या आ गया? आई एफ, है ना। अब फॉर्मूला क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का? एक्स आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी वाई प्लस, है ना। व्हाट इज आई एफ? वाई रेस्ट टू पावर माइनस टू। व्हाट इज क्यू? क्यू क्या है बेटा हमारा? व्हाट इज क्यू? क्यू इज वाई स्क्वायर ई पावर माइनस वाई। और आई एफ कितना है? ई वाई पावर माइनस टू। वाई पावर टू वाई पावर माइनस टू कैंसिल हो गया, सिर्फ रह गया ई पावर माइनस वाई। ई पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस ऑफ ई पावर माइनस वाई। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, है ना। लेकिन उसने मांगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी x के लिए 0 और y की वैल्यू 1 पुट करने के लिए कहा है। तो हमने पुट कर दिया, x के लिए 0 0 हो गया, y की वैल्यू 1, तो ये क्या बन गया? e पावर -1। -1 नीचे आके क्या हो जाएगा? +1 यानी 1 / e। इधर के क्या हो गया? +1 / तो c के लिए आ गई। इस c के वैल्यू को हमने वापस सब्स्टिट्यूट किया, y पावर -2 इधर के डिवाइड हुआ, तो ऊपर आके क्या हो गया? y स्क्वायर। और यहां पर y हमारे ऊपर आके क्या हो गया? y स्क्वायर। तो यही हमारा क्या आया? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कंटिन्यूटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन ए प्लस वन एक्स इफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस फाइव एंड जीरो, टू इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड टू ई पावर साइन बी एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो कहता है कि हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये गिवन है कि कंटीन्यूअस है किस पे? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो आपको मालूम है लेस देन जीरो भी हमारे पास है, ग्रेटर देन जीरो भी है और इक्वल टू जीरो भी है। लेस देन वाले को क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। ग्रेटर वाले को राइट हैंड लिमिट। और ये एफ ऑफ ए, अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। आइए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन ए प्लस वन एक्स, है ना। एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस लिखोगे, फिर हमारा क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x के लिए क्या पुट करेंगे? जीरो माइनस h पुट कर दिया। जीरो माइनस h क्या होता है? माइनस h। और साइन माइनस h क्या होता है? माइनस साइन h। दोनों में से माइनस कॉमन आ गया, नीचे भी क्या हो गया? साइन माइनस h क्या हो गया? माइनस साइन h। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा। आप क्या कर रहे हैं? सबको h से हमने क्या कर दिया? डिवाइड। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
एच अपॉन एच कितना हो गया, वन प्लस साइन एच अपॉन एच, साइन ए प्लस वन एच अपॉन एच। आपको मालूम है कि साइन एच अपॉन एच क्या होता है, वन। और यहां पर भी एंगल सेम करने के लिए हमने ए प्लस वन से रेशनलाइज कर दिया, क्यों, क्योंकि ये भी एंगल सेम हो गया, तो ये भी क्या बन गया, वन। तो वन प्लस वन ये क्या बना, वन इंटू ए प्लस वन, सॉल्व करके कितना आया, टू अपॉन ए प्लस, राइट। आइए राइट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस, राइट हैंड वाला पार्ट लिया, पीस वाइज है ना, अलग अलग पीस दिए हुए, ई पावर टू साइन बी एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स, टू टाइम्स। अब हमने x लिमिट x टेंड टू जीरो में हम क्या लिखेंगे, x से क्या करेंगे, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच क्या हो गया, h, जीरो प्लस h कितना हो गया, h, है ना। अब हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंड टू जीरो e पावर x माइनस वन अपॉन x क्या होता है, वन, है ना। तो e पावर साइन x से हमें साइन चाहिए, तो हमने साइन x से क्या कर दिया, साइन बी एच से रेशनलाइज कर दिया, ताकि ये भी क्या बन गया, वन, साइन बी एच अपॉन एच भी क्या हो गया, वन। तो आंसर कितना आया, टू। और f ऑफ जीरो की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, टू है, तो यानी कि तीनों अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, f ऑफ जीरो तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने इनको इक्वेट किया, a प्लस वन इज इक्वल टू क्या आया, वन, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अब इसमें कहीं पर भी b तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, इसका मतलब b मे बी एनी रियल नंबर अदर देन जीरो, मे बी एनी रियल नंबर अदर देन जीरो, जीरो के अलावा क्यों बोला मैंने, दोबारा अदर देन जीरो, जीरो के अलावा क्यों, क्योंकि अगर जीरो पुट करेंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसे अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।